हिंदुस्तान में भी राम मंदिर बनने के लिए 70 साल लग गए, इसका खाली जिम्मेदार कांग्रेस है। बस जब भी से ये कांग्रेस आए इन्होंने बंटवारा ही किया है। खाली यहाँ पे हिंदू धर्म की बात होने वाली है, भगवे झंडे की बात होने वाली है और सनातन हिंदू का ही राज आगे चलने वाला है। उनका इतिहास आप निकाल के देखेंगे तो ये विदेश से आए हुए फैमिली है। को लगता था कि ये समाज, ये धर्म नाराज हो जाएगा, ये समाज नाराज हो जाएगा, ये पार्टी नाराज होगी, इसके वजह से पूरे देश की सिस्टम बिगड़ गई थी। बांग्लादेश दिया, पाकिस्तान दिया, अफगानिस्तान दिया, सब कुछ दिया, ये कांग्रेस के वजह से हुआ है। वो ना कभी राम के थे, ना कभी होंगे, ना कभी होने वाले। लालू प्रसाद यादव का लड़का तेज प्रताप यादव उन्होंने कहा कि राम जी मेरे सपने में आए और उन्होंने कहा कि मैं अयोध्या 22 तारीख को नहीं आऊँगा। देखो, लालू प्रसाद जैसे है वैसी उनकी संतान है, ठीक है, उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं अपन, ठीक है। वो ना कभी राम के थे, ना कभी होंगे, ना कभी होने वाले हैं। छोड़ो वो उनको अभी ये माहौल पे उनके बारे में बात करना बहुत गलत है। जो पूरे विश्व में ये उत्सव हो रहा है उसकी बात करो। हर एक हिंदू समाज, हर एक जो राम को जो मानने वाला वर्ग है वो खुश है, उनकी बात करो। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी राम मंदिर का पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। विरोध करते रहेंगे और हम संघर्ष करते रहेंगे। भारत का इतिहास है, भारत संघर्ष करते आया है, संघर्ष करते रहेगा और इसके आगे ही करेगा। जो मोदी जी ने 10 साल में करके दिखाया है, वो गए 70 साल में जो चीज़ें कुछ हुई नहीं है वो 10 साल में हो चुकी है। जो निर्णय लेने चाहिए थे, देश के हित के लिए लेने चाहिए थे, वो निर्णय कभी कांग्रेस ने लिए नहीं, क्योंकि किनको लगता था कि ये समाज, ये धर्म नाराज हो जाएगा, ये समाज नाराज हो जाएगा, ये पार्टी नाराज होगी, इसके वजह से पूरे देश की सिस्टम बिगड़ गई थी। लेकिन मोदी जी ने ना किसी की परवाह करते हुए, ना किसी को ये करते हुए मोदी जी ने अच्छे अच्छे निर्णय लिए, इसीलिए देश अच्छे तरक्की पे जा रहा है, अपने पूरे दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। जो पॉलिटिशियन बोलते हैं ना, पॉलिटिशियन होने के बाद इनका राम के बारे में, हिंदुत्व के बारे में क्या रोष है वो मालूम पड़ेगा। राम ये किसी पक्ष के नहीं है या किसी पार्टी के नहीं है, किसी वो अखंड हिंदुओं के वो एक श्रद्धा स्थान है। और 500 सालों बाद ये जो है ना मोदी जी के राज में ये बन रहा है, तो उनको ऐसा दिमाग में से हटाना चाहिए। मोदी जी बना रहे हैं, हटा के इसमें उन्होंने भी आना चाहिए। हम आपके माध्यम से उनको भी विनती कर रहे हैं। ये जो पूरा हिंदू समाज जो एक आ रहा है और पूरे हिंदुस्तान में कोई पार्टी का नाम नहीं ले रहा है, खाली भगवा ध्वज ले रहा है, श्री राम का नाम ले रहा है, कोई पार्टी का नाम नहीं ले रहा है। यही उनको देखा नहीं जा रहा है। इस पे वो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि उनको पता है कि अपना पॉलिटिक्स अभी खत्म है, इसमें कोई पार्टी नहीं चलने वाला है। खाली यहाँ पे हिंदू धर्म की बात होने वाली है, भगवे झंडे की बात होने वाली है और सनातन हिंदू का ही राज आगे चलने वाला है। इनकी पूरी दुकानें बंद होने वाली है, ये इनको पता चल गया, इसलिए ये बोल रहे कि इसमें राजकारण कर रहे हैं। अच्छा, जहाँ राहुल गांधी एक तरफ से ये कह रहे हैं कि भारत जोड़ो और उसके लिए उन्होंने कितनी सारी रैलियां निकाली है, यात्रा निकाली है, लेकिन वहीं पे दूसरी ओर वो राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि इससे वो मतलब भारत जोड़ पाएंगे? एक तरफ जहां वो हिंदुओं की आस्थाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। भारत टूटा कब? आज भारत टूटा ही नहीं तो जोड़ने का विषय ही नहीं आ रहा है। तो इनको यही चीज़ उनको पता नहीं है, तो वो क्या राज कर सकते, क्या नेतृत्व करेंगे? ये हमारा दुर्भाग्य है कि जैसे राहुल गांधी जैसे आदमी है वहाँ पे। भारत मतलब जो पूर्व से लेके पश्चिम तक, हिमालय से लेके नीचे तक जो आता है उसको भारत बोलते हैं। भारत का मतलब ही आज तक गांधी परिवार को पता नहीं चला है, भारत किसको बोलते हैं। बंटवारा, बांग्लादेश दिया, पाकिस्तान दिया, अफगानिस्तान दिया, सब कुछ दिया, ये कांग्रेस के वजह से हुआ है। तो ये लोग भारत जोड़ो कब से करने लगे? भारत जोड़ो कौन कर रहे हैं? तो जो अभी की भाजपा सरकार है, अभी के जो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी है, उनका सपना है अखंड भारत करना। विश्व हिंदू परिषद संघ का स्वप्न है भारत अखंड करना। जो अपना प्राचीन काल से भारत है उसको बोलते हैं भारत। अभी जो भारत है, जो भारत माता है, हम उसको अभी तक जो वो पीड़ा सहन कर रही है, तो वो पीड़ा उसकी जो धीरे धीरे हम लोग दूर करने के सोच रहे हैं। जब से ये कांग्रेस आए इन्होंने बंटवारा ही किया है और जो इनके परिवार को जो नाम दिया है गांधी परिवार, वो भी उनका खुद का है क्या? वो भारत के रहवासी है क्या? इधर के स्थानिक है क्या? उनका इतिहास आप निकाल के देखेंगे तो ये विदेश से आए हुए फैमिली है। इनको समझ में आ गया है कि पूरा हिंदुस्तान आज ये राम भक्त जो है ये पूरा भगवे के अंदर नीचे काम कर रहे हैं, यहाँ पे कोई पार्टी का नाम नहीं ले रहे। और कांग्रेस ने यही 70 साल तक, आज तक आप बताइए कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई इतना, जो मोदी जी मंदिर घूम रहे, कोई मंदिर घुमा है? आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर एक भी मंदिर में घुमा नहीं है। आज मोदी जी हर मंदिर घूम रहे, हर एक मंदिर की वैशिष्टता है, हर एक मंदिर को इतिहास है। लेकिन 70 साल ये इतिहास को दबाया गया, कांग्रेस ने दबाया गया, संस्कृति के पूरा दबाया गया। आज तक हमारी जो न्यू जनरेशन है इसको अभी तक कुछ भी मालूम नहीं है। लेकिन मोदी जी की राज में आने वाले 70 साल में हर एक बच्चा हिंदू की संस्कृति जपते रहेगा, हिंदू संस्कृति आगे लेते जाएगा। यही मोदी जी की खासियत है। एनसीपी नेता जितेंद्र अवाड़ का कहना था कि राम जो है वो मांसाहारी थे, वो जब वनवास में थे तो वो मांस मच्छी खाते थे। देखो कैसा होता है कि किसी को कोई पहचानता नहीं है, ठीक है, तो उनकी पहचान बनाने के लिए ऐसे अच्छे माहौल में कुछ तो उल्टा बोलने का, इसको बोलते हैं रिवर्स पब्लिसिटी। देखो पब्लिक उनको गाली दे रही है लेकिन उनको उनकी पब्लिसिटी हो रही है, वो रिवर्स पब्लिसिटी के लिए कुछ भी करेंगे। वो जितेंद्र अवाड़ है, उनको बोल नहीं सकते, कुछ भी बोलेंगे वो, तो वो कैसा है, लोकशाही है, लोकशाही में बोल सकते हैं। लेकिन उनको उनकी गलती एहसास हो गया, उन्होंने माफ़ी मांगी, सॉरी बोला, उसके बाद क्या, उसके बावजूद क्या हो गया? फिर ऐसे विधान करके मतलब नहीं है। तो मतलब ये आपको सही लगता है कि एक अच्छे लेवल पे होने के बाद आप इस तरह की बातें करते हैं? नहीं देखो, मीडिया में छाना है उनको, बस कैमरे में छाना है, न्यूज़ में आते रहना है, पब्लिक में आते रहना है, तो इनको ये ऐसे बयानबाजी नहीं करेंगे तो कहीं पे उनका अस्तित्व खत्म हो रहा है, ये दिख रहा है। तो अस्तित्व निर्माण करने के लिए सब कोशिश चल रही है, बाकी तो कुछ नहीं है। पब्लिक सब होशियार है, सब जानते हो आप। यही बात हिंदुत्व की या पक्ष की आप बात करें, यहाँ पे एक भी झंडा देख सकते हैं आप, बीजेपी का कोई झंडा दिख रहा है क्या, कोई पार्टी का झंडा? खाली हिंदुत्व। हमें राम भक्त है, हिंदू के हिसाब से यहाँ पे आए और हिंदुत्व ही हमको जगाना है, उसके लिए हम यहाँ पे है। यही जो हमारा सिद्धांत है मोदी जी का, वही सिद्धांत पे हम लोग भी चल रहे हैं और उनको सबको लेके चल रहे हैं। देखो हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ हिंदू और मुस्लिम के, इसमें मुस्लिम जो था वो पाकिस्तान में चले गए, जो हिंदू बचे थे वो इसमें रह गए। लेकिन महात्मा गांधी जी ने बोला जिनको यहाँ रहना है वो रह सकते हैं, मुस्लिम लोगों को जो वहाँ जाना है वहाँ रह सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हिंदुस्तान में हिंदू की आस्था, हिंदुओं को जो राम जन्मभूमि है उनको बनने के लिए 70 साल लगे, ये बहुत दुर्भाग्यवश है। सुनिए मेरी बात, इसके लिए अपने को आज ये 70 साल बाद हिंदुस्तान में भी राम मंदिर बनने के लिए 70 साल लग गए, इसका खाली जिम्मेदार कांग्रेस है। बस देश चलाने के लिए ना निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आप में निर्णय लेने की क्षमता है ना तो देश चलता है। देखो आज भी हमारे इसमें जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो घटना दी है वही घटना आज भी है, पिछले 70 साल में भी थी, लेकिन उस पर एक्शन लेना उनको कोई भी जमा नहीं। इसीलिए मोदी जी ने हर घटना को एक्शन लेते हुए आज निर्णय को अच्छे अच्छे निर्णय लेके देश को तरीके भी लेके जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ कोई धर्म के हिसाब से नहीं है, जो भी है खाली अपना धर्म बचाने के लिए, कोई पक्ष का कोई विषय नहीं है। ये जो दिख रहा है सब उसके फिर माहौल दिख रहा है, तो ये माहौल आप देखिए जो माहौल पूरा आज हिंदुस्तान में है। भगवान श्री राम के लिए आप लोगों के मुझसे कोई एक गीत जो हो जाए। हर घर में एक ही नारा गूंजेगा, भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, जय श्री राम।